खुश है। ओके, अब वो सेकंड सेंटेंस आपको सिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहला संपा तो थोड़ा सा रिविजन करेंगे, रिकैप करेंगे, क्या सीखे थे हम, क्या क्या हुआ, कुछ सीखे या बिना हम एग्जाम के देखेंगे। चलो देखेंगे, आप भी ये थोड़ा याद करना है, इससे मैं और एक बार आपको रिविजन कराती हूँ, वरना इजी वाला हमारा हम सीखे हैं क्या स्वराक्षर कितने हैं, ए रा है ना, अ अ इ ई उ ऊ रु ए आई ओ औ अम अहा, कितने सीखे हैं ना, ख व्यंजनाक्षर ख ख घ घ म्यां छ छ झ झ न्यां ठ ठ ढ ढ ना थ थ ध ध ना प फ भ भ म य र ल व षे ष स ह ल क्ष थ न श, इतना हम वर्णा वाला का सीखे थे। नेक्स्ट बार बार में क्या हुआ, स्वराक्षर के अनुसार स्वर चिन्ह क्या करते हैं, स्वर चिन्ह को हम मात्रा करते हैं, मात्रा को व्यंजनाक्षर से जोड़कर हम बराबरी सीखे थे। हाउ मेनी स्वराक्षर, स्वराक्षर कितने हैं, अ अ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अम ह, कुल मिलाकर 13 है, 13 स्वराक्षर को 13 स्वर चिन्ह रहते हैं। ये स्वर चिन्ह अ बस अ का कोई भी स्वर चिन्ह नहीं होता, आ का स्वर चिन्ह, ई का ऊ का ऊ ऋ ए I O O am aha, ये लिखने का तरीका है, ये आ को कुछ नहीं था, आ व्यंजनाक्षर के बाद लिखने का, ये व्यंजनाक्षर के ऊपर से व्यंजनाक्षर के पीछे लिखने का, ये ई व्यंजनाक्षर के सामने लिखने का, ये व्यंजनाक्षर के बाद नीचे लिखने का, वो ये ओ व्यंजनाक्षर के नीचे, ये रू भी रू स्वरचिन्ह में व्यंजनाक्षर के नीचे, ये का स्वराक्षर व्यंजनाक्षर के ऊपर लिखने का, आई भी व्यंजनाक्षर के ऊपर दो बार लिखने का, ओ व्यंजनाक्षर बाद एक लकीर डालकर ऊपर एक लिखना, औ का भी व्यंजनाक्षर के बाद एक नीचे एक लकीर लिखने बार और एक दो बार लिखना, ये व्यंजनाक्षर ऊपर एक बिंदु, व्यंजनाक्षर के बाद ऊपर बाजू दो बिंदु रखना, ठीक है, आपको ये याद हुआ। इसके साथ अब व्यंजनाक्षर ख ख बराबरी हम लिखने चलते हैं, कि खु कु क्रो के कई को कौ कम कहा, है ना, हाँ ऐसे भी एक बार लिखना, देखो पहले देखो, पहले भी क्या रहता है, ग गी मेरे सब गौ दोहराइए, गी गी गु गु क्रो गे गई गो गौ गम गहा। देखिए आपको बराबरी का क्या ये भी रिविजन हुआ, आपको हाथ का भी लिखे दोहराइए, देखिए ये स्वराक्षर है, स्वराक्षर के साथ ही मात्रा आता है, मात्रा के स्वराक्षर और मात्रा, मात्रा
बोलने का और लिखने का तरीका आ गया है। और नेक्स्ट गिनती एक रिविजन कराएंगे। गिनती हम 15 तक लिखाए थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखने का तीन तरह भी आप थ्री टाइप्स आप लिखना है। कभी भी आप लिखने समय थ्री टाइप्स होंगे इंग्लिश हिंदी हिंदी का अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे भी 11, 12, 13, 14, 15 और एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आपको फर्स्ट सेम में क्या क्या सीखे थे, आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये 12 करी के लिखने का तरीका है। आस्वराक्षर 13 कुल मिलाकर 13 ही 12 करी रहता है। 12 करी लिखने से पहले हम मात्रा सीखना है। एक इसे मात्रा कहते हैं, मात्रा को व्यंजनाक्षर से जोड़कर हम 12 करी लिखते हैं। आपको लिखने का और बोलने का तरीका हम सिखाए हैं। हम आज के रिविजन क्लास यहीं